दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की। लुधियाना के डीटीओ कार्यालय में एडीसी अजय सूद की अध्यक्षता में ट्रैफिक संबंधी बैठक की गई, जिसमें डीटीओ दलविंदरजीत सिंह सहित ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम व सिविल सर्जन विभाग के अधिकारियों व स्वयं सेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान एडीसी अजय सूद ने बताया कि ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए अलग अलग विभागों की मदद से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें विशेष तौर पर स्कूलों के बाहर सही ढंग से साइन बोर्ड लगवाकर, रोड मार्किंग, जेब्रा क्रॉसिंग को लगा कर ट्रैफिक नियमों की पालना करने संबंधी जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने संबंधी और भी कई उपाय बैठक में पेश किए। लुधियाना से कैमरामैन रोहित कुमार के साथ सुरेश गर्ग की रिपोर्ट। आज असी रोड सेफ्टी कमेटी दी मीटिंग कीती सी और सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जिस तरह की पुलिस कारपोरेशन अपने म्युनिसिपल कारपोरेशन और एनजीओस वालों जिहड़े ट्रैफिक दे रूल्स बारे सीगे वो सारे शामिल होए और ये असी सारे जो भी हाईकोर्ट के मानयोग हाईकोर्ट के ऑर्डरस हुए है रिगार्डिंग ट्रैफिक रेगुलेशनस और जी पब्लिक की अवेयरनैस वास्ते वो सारा डिस्कस किया और इंश्योर करांगे कि सारे जेडे है अवेयर कराया जाए पब्लिक नू थ्रू सोशल मीडिया भी बच्चों के थ्रू भी कि सारे जिन्हें भी अपने ट्रैफिक रूल्स है वह पालन करना यकीनी बनाया। जो रोड सेफ्टी डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी की मीटिंग हुई है ये रोड सेफ्टी संबंधी सारे इशूज डिस्कस किए गए, जो ऑलरेडी काम चल रहा उस रिव्यू किया गया, सेम टाइम जड़िया मेजर वायोलेशंस ने उस केस में लाइसेंस होल्डर्स सैकेंड वायोलेशन तो बाद उन्होंने लाइसेंस मिनीम 3 महीने लिए सस्पेंड करने संबंधी जो कार्रवाई है वो स्टार्ट की जाएगी।